नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज है संडे तो आज बारी है वीकली कार न्यूज़ की, यानी कि कार इंडस्ट्री को लेकर हम सारी न्यूज़ यहां पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों मेरी चैनल पे काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी सारे यूजर्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 99% जो व्यूज़ है वो उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास टोटल 22 न्यूज़ है, तो चलिए पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। हंडे अल्कज़ार फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। बेस मॉडल की प्राइस रखी गई है 14,99,000 रुपये एक्स शोरूम, जो कि पेट्रोल मॉडल है। डीजल वेरियंट जो इसका है बेस मॉडल, उसकी प्राइस 15,99,000 रुपये रखी गई है, यानी कि 1,00,000 रुपये ज़्यादा पेट्रोल वेरियंट से। ये दोनों ही प्राइस इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी कि आगे जाके ये प्राइजेस बढ़ने वाली है। और क्रेटा में जो मिलता था वही ऐसा ही इंटीरियर आपको मिलने वाला है। एडास लेवल 2 मिलेगा, ड्यूल जोन AC मिलेगा, 6 एयरबैग, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है। मैट और जो ड्यूअल टोन कलर है उसके लिए आपको इन प्राइसेस पे 15,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो हंडे अल्कज़ार लॉन्च हो चुकी है, शोरूम पे भी शायद आ गई है, तो आप जाके देख लीजिएगा। सेकेंड न्यूज़, टाटा मोटर्स अपनी कुछ कारों की प्राइस में कटौती की है टाटा मोटर्स ने, जो कि अक्टूबर के एंड तक वैलिड रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कार में कितना कटौती की है, ये सिर्फ मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, बाकी अलग अलग वेरिएंट पर आपको अलग अलग प्राइजेस की वेरिएशन मिलने वाला है। टीएगो पे आपको मैक्सिमम 65,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, टिगोर पे मैक्सिमम 30,000 का, ऑल्ट्रोस पे आपको 15,000 से लेकर 45,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, हैरियर पे आपको 1,60,000 का डिस्काउंट मिल रहा है मैक्सिमम, और सफारी पर आपको 1,80,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी अगर आप इन पांचों गाड़ियों में से कोई ख़रीदना चाहते हैं तो समय काफ़ी अच्छा है, खरीद लीजिए। थर्ड न्यूज़, हंडे अल्कज़ार की फ्यूल एफिशिएंसी को रिवील कर दिया गया है। मैं आपको जो इसके दोनों इंजन है और दोनों गियर ऑप्शन है उसकी मैं माइलेज की जानकारी देता हूँ। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल में 17.5 km का माइलेज मिलेगा, जो कि कंपनी ने क्लेम किया है। 7 स्पीड DCT में आपको इसमें 18 km का माइलेज मिलेगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है। अभी बात डीजल जो इंजन है उसकी, डीजल में आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल में 20.4 km का माइलेज मिलेगा, जो कि कंपनी ने क्लेम किया है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में आपको 18.1 km का माइलेज मिलेगा, बाकी ड्राइवर के हिसाब से ये वेरी करेगा, ये कंपनी के क्लेम जो आंकड़े हैं वो रहने वाले हैं। चौथी न्यूज़, BYD E6 को भारत में EMAX 7 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इसे 30,00,000 की प्राइस रेंज के आसपास लॉन्च किया जाएगा, तो अगर किसी को 7 सीटर लेना है इलेक्ट्रिक तो इसका वेट आप कर सकते हैं। पांचवी, PR 3GS के बाद अब मनु भाकर ने भी टाटा कर्व EV को ख़रीदा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो इंडियन कंपनी को प्रीफर कर रहे हैं। आगे 2024 मर्सिडीज बेंज E-क्लास को रिवील कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आगे टाटा ने अपनी ईवी कारों के दाम भी घटाए हैं, मैं आपको तीनों ईवी के प्राइस में आपको बता देता हूँ, जिसमें अभी टीगोर की प्राइस नहीं है। टियागो ईवी में आपको 40,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 7,99,000 रुपये से आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा। पंच ईवी में आपको 1,00,000 से 1,20,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्सॉन ईवी में आपको 2,00,000 से लेकर 3,00,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप टाटा की कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा समय है। आगे चलते हैं आठवीं न्यूज़, हंडे अल्कज़ार डीलरशिप्स पर आ चुके हैं, आप यहाँ पे इमेजेस में देख पा रहे होंगे। आगे महिंद्रा थार रॉक्स भी डीलरशिप पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मेरी चैनल पे रॉक्स का जो थार रॉक्स का वीडियो मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो मैंने फुल्ली डिटेल यहाँ पे बनाया हुआ है। आगे चलते हैं दसवीं न्यूज़, MG विंडसर EV को भारत में 9,99,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको बास यानी कि बैटरी एज ए सर्विस रेंटल प्रोग्राम के साथ मिलेगा। इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होगा, आपको हर एक किलोमीटर पर 3.5 रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे और इसकी रेंज आपको मिलेगी 331 किलोमीटर, जो कि क्लेम रेंज रहेगी, यानी कि 250 से 270 के आसपास आपको रियल लाइफ में रेंज मिल सकती है।
तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बैटरी आपको भाड़े पे दी जा रही है, आप बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। आगे MG विंडसर EV की बुकिंग्स की जानकारी सामने आ चुकी है, आप इसे 3 अक्टूबर से बुक करवा पाएंगे और आपको इसकी डिलीवरी दशहरा यानी कि 12 अक्टूबर से मिलेगी। आगे चलते हैं 12वीं न्यूज़, टाटा कर्व आइस की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, यानी कि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की यहाँ पे डिलीवरीज 12 तारीख से शुरू हो चुकी है। 13वीं न्यूज़, निसान मैग्नेट फेसलिफ्ट की डेट सामने आ चुकी है, मैग्नेट का फेसलिफ्ट 4 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और जो मैग्नेट है वो उस लॉन्च हुई थी 2020 में, तो 2020 के बाद इसे पहला मेजर अपडेट अभी मिलने वाला है, देखते हैं क्या निकल के आता है। 14वीं न्यूज़, अब से GPS से टोल टैक्स लिया जाएगा, यह आपने कहीं न्यूज़ में या कहीं पे भी तो आपने सुना होगा या फिर देखा होगा। हाईवे पर लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र आपको फ्री में मिलेगा हर दिन के लिए और इसके बाद आप हाईवे पे जितना चलोगे उतना ही अब आपको टैक्स टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए आपकी कार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्ट होनी चाहिए, ये एक मैंडेटरी है, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे 15 न्यूज़, 2024 मारुति स्विफ्ट CNG को लॉन्च कर दिया गया है, इसकी शुरुआती प्राइस रखी गई है 8,20,000 रुपये जो कि इसका VXI वेरियंट होगा और ये एक्सोम प्राइस है। ये जो पेट्रोल वेरियंट है VXI उससे लगभग 90,000 रुपये यहाँ पे सस्ती है, महंगी है, सॉरी CNG है महंगी है। इसका जो VXI ऑप्शनल वेरियंट है CNG वेरियंट उसकी प्राइस रखी गई है 8,47,000 रुपये और ZXI CNG वेरियंट है उसकी प्राइस रखी गई है 9,20,000 रुपये एक्स शोरूम। और इसका जो माइलेज है वो भी कंपनी ने यहाँ पे रिवील कर दिया है, 32.85 KM का किलोग्राम पर किलोमीटर का माइलेज यहाँ पे क्लेम किया गया है, तो देखते हैं कितना ये माइलेज निकाल के देती है। और डिलीवरीज आपको यहाँ पे ये दशहरा से यानी कि 12 अक्टूबर से ही मिलने वाली है। आगे चलते हैं, महिंद्रा थार 3 डोर की तरह ही थार रॉक्स की भी पहली यूनिट की नीलामी की जाएगी, इसमें आपको VIN 001 का बैज मिलेगा, इसके साथ ही आनंद महिंद्रा जी का सिग्नेचर बैज भी इसमें आपको मिलने वाला है। थार रॉक्स का टॉप मॉडल होगा जो कि AX7L डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव होगा और बिडिंग प्रोसेस आपको 15 से 16 सितंबर को यानी कि आज से लेकर कल तक ये चलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि थार जो 3 डोर है उसकी नीलामी में कंपनी को 1,11,00,000 रुपये मिले थे, यानी कि एक यूनिट के लिए किसी ने 1,11,00,000 रुपये कंपनी को दिए थे। आगे फोर्ड ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को उनके चेन्नई प्लांट को शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी लोग यहाँ पे खुश हो रहे होंगे कि फोर्ड इंडिया में वापस आ रहा है, लेकिन नहीं, इस प्लांट में बनने वाली सभी कारों को भारत में नहीं बेचा जाएगा, इसे सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए शुरू कर रहे हैं ये लोग, तो भारत में ये कार नहीं मिलने वाली है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, महिंद्रा थार रॉक्स की टेस्ट ड्राइव कल से शुरू हो जाएगी, कल से शुरू हो चुकी है, हो जाएगी नहीं, 14 सितंबर से ये शुरू हो चुकी है और इसकी बुकिंग जो है वो 3 अक्टूबर से शुरू होगी और डिलीवरीज आपको दशहरा यानी कि 12 अक्टूबर से मिलेगी, तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो दशहरा पर डिलीवरीज शुरू यहाँ पे कर रही है। आगे चलते हैं, टाटा पंच फेसलिफ्ट की जानकारी सामने आ चुकी है, कुछ नए वेरियंट लॉन्च किए जाएंगे इसमें और 4 पुराने वेरियंट को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, टोटल आपको इसमें अभी 10 वेरियंट मिलेंगे जिसका नाम मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। पहला जो बेस मॉडल होगा वो प्योर होगा, उसके बाद प्योर ऑप्शनल, एडवेंचर, एडवेंचर रिदम, एडवेंचर एस, एडवेंचर प्लस एस, एकॉम्प्लिस प्लस एस, क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस एस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ये 10 वेरियंट। जो लास्ट के 2 मॉडल मैंने बताया आपको क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस एस, उसमें आपको CNG का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है और जो पहले 2 बताए मैंने आपको प्योर और प्योर ऑप्शनल, उसमें आपको AMT का ऑप्शन नहीं मिलेगा और जो प्योर ऑप्शनल है उसमें आपको CNG नहीं मिलने वाला है, तो टोटल 3 वेरिएंट में आपको CNG का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अभी जो एडवेंचर मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको सनरूफ इसमें ऑफर किया जाएगा और काफ़ी कॉस्मेटिक चेंज किए जाएंगे, जैसे कि 10.25 का जो टच स्क्रीन है बड़ा उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रियर AC वेंट आपको मिल जाएंगे इसमें, ये सब कुछ अंदर के और बाहर के चेंज कुछ कुछ किए जाएंगे। आगे चलते हैं, न्यू जनरेशन किया कार्निवल की प्री बुकिंग 16 सितंबर से शुरू होगी, इसमें आपको 2 सनरूफ मिलने वाले हैं जो कि टीजर में दिखाए गए हैं, तो ये अगर कार्निवल आप खरीदना चाहते हैं तो कल से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं, टोयोटा हाईराइडर का वेटिंग पीरियड काफ़ी कम हो चुका है,
अगर आप हायर राइडर सीएनजी लेना चाहते हैं तो आपको केवल 8 हफ्तों में यानी कि 8 वीक्स में ही ये मिल जाएगी। मार्च में जो ये हायर राइडर है उसका वेटिंग पीरियड सीएनजी का 39 वीक्स का था। इसका मतलब है कि हायर राइडर की जो सेल्स है वो काफ़ी कम यहाँ पर हो चुकी है। तो ये ग्रैंड विटारा का ही जो वेरियंट है, लेकिन ग्रैंड विटारा ज़्यादा बिकती है और हायर राइडर कम। तो यही मेंटेलिटी है अपने देश की कि दोनों कारें एक ही है, लेकिन मारुति पर ज़्यादा फोकस किया यहाँ पे जा रहा है। आगे चलते हैं 21वीं न्यूज़। स्कोडा कुसा के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है, स्पाई किया गया है, जो कि भारत के बाहर टेस्ट करते हुए देखा गया है। भारत में आएगी या नहीं आएगी या फिर कब आएगी ये अभी तक पता नहीं है, कन्फर्म नहीं हुआ है। आगे चलते हैं इस वीडियो की लास्ट न्यूज़। BYD EMAX 7 इलेक्ट्रिक MPV को बिना कैमोफ्लाज के स्पाइक किया गया है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से ये कार आने वाली है। तो ये थी इस हफ्ते की सारी न्यूज़ जो कि मैंने कवर की है। आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अगर लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो चैनल है उसमें आपको सारे रिव्यूज़ वगैरह के वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं कब है उसका क्रिएटिव एस डीजल मैनुअल का वीडियो भी रखने वाला हूँ ग्रे कलर में, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।